हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ड में, जहां पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नेट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लैकेस्ट नेट टैग के जरिए या फिर ब्लैकेस्ट नेट की प्लेलिस्ट के जरिए भी आप इससे पहले के और इसके बाद के आने वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर आई कार्ड में दिए गए ब्लैकेस्ट नेट के प्लेलिस्ट के लिंक के जरिए भी आप इससे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं बेरी को वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पर जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका का हेडक्वार्टर था, और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्लैक हैंटा को सिटी के एक ग्रेवयार्ड में, जहाँ पर वो हेल जॉर्डन के माता पिता के ग्रेव के पास से गुजरता है। और वही हेडक्वार्टर में मेरा और एटम बैरी के साथ हॉक गर्ल और हॉकमैन से लड़ रहे थे, जिस पर ब्लैक हैंट कहता है सिर्फ सुपरमैन, फ्लैश और ग्रीन एरो ने अब तक डेथ को चीट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी उन्हें चीट कर पाएंगे। मेरे क्लॉड के शिकंजे से कोई नहीं बच पाएगा, ये सिर्फ वॉर बिगिनिंग की लाइट है और ये भी बहुत जल्द ब्लैकेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर मेरा और एटम दोनों ही बता रहे थे कि इंडिगो लैंटर्न ने हैल को अपने साथ कहीं पर टेलीपोर्ट कर दिया है, ये कहकर कि वो दोनों मिलकर ब्लैक लैंटर्न को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कर देंगे। और यहाँ पर बेरी उनसे कहता है इसका मतलब हमारा काम ये है, उन दोनों के आने से पहले हमें इन सबको रोके रखना होगा। और वो पूछता है कि आखिर फायरस्टॉर्म कहाँ गया, और तभी फायरस्टॉर्म आते हुए कहता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है ना, और वो शैतान अकेला नहीं बल्कि पूरी शैतानों की फौज के साथ आया था, ब्लैकेस्ट नाइट के सारे ब्लैक लैंटर्न को लेकर आया था। उसे देखते ही बेरी वहां से भागने लगता है, लेकिन फायरस्टॉर्म कहता है जैसन के मेरे साथ होने के बाद मैं किसी भी ऑर्गेनिक को ट्रांसम्यूट कर सकता हूँ, और जैसन से वो कहता है विल पावर के साथ मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, समझ गए। और बेरी से कहता है तो हम कहाँ थे फ्लैश, मैं पहले तो तुम्हारा ब्रेन लेना चाहता था लेकिन अब तुम्हारा हार्ट लेना चाहता हूँ। और तभी जैसन उस पर कंट्रोल करके खुद फायरस्टॉर्म बन जाता है, और वो उनसे कहता है कि बेरी वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं, वो तुम सभी के लिए आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा और पूरी अर्थ को इवैक्यूएट करना होगा। और इतना कहते ही रॉनी फिर से उस पर कब्जा जमा लेता है। यहाँ पर सभी ब्लैक लैंटर्न्स उन तीनों पर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर एटम बैरी से कहता है बैरी उन्हें कुछ देर के लिए रोके रखो, और वो 911 पर कॉल कनेक्ट करता है। और जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है वो बैरी और मेरा के साथ ऑप्टिक फाइबर से जंप करके पुलिस स्टेशन के हेडक्वार्टर में टेलीपोर्ट हो जाता है। और यहाँ पर गॉथम सिटी में स्केयरक्रो सभी लोगों के इमोशंस देख पा रहा था, जो कि फियर से भरे थे। दूसरी तरफ एजराइल लोगों को मारते हुए स्केयरक्रो के पास आ रहा था, जहाँ पर स्केयरक्रो उससे कहता है मैं भी ये टेरर फील करना चाहता हूँ, मैंने अपना फियर गैस एक बार नहीं बल्कि कई बार यूज किया लेकिन कोई भी चीज मुझे डरा नहीं रही, कोई भी चीज सिवाय बैटमैन के। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में लेक्स कॉप में, यहाँ पर लेक्स सारे सिक्योरिटी सिस्टम सील कर रहा था ताकि उसे उन ब्लैक लैंटर्न से कोई खतरा ना हो, और साथ ही साथ वो अपने कैलकुलेटर से कह रहा था कि अब तक जितने भी लोग जिंदा हुए हैं उनमें से कितने ही होंगे जो मेरे हाथों मरे हैं, और कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी जिंदा होने बाकी है। तो सोचो अगर ये सारे जिंदा हो गए तो मेरा क्या होगा। और वो इतना कहते ही पूरी बिल्डिंग सील कर देता है सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, और वो अपने मॉनिटर पर देख रहा था कि अब तक कितने हीरोज और कितने विलन्स मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ डेरी मेरा और एटम से कहता है हमें वो करना होगा जिसके लिए हम अभी तक लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। इस पर उनका कहना था कि हमें सुपरमैन और वंडर वुमन की जरूरत है, जिस पर बेरी सब लोगों को शांत करता है और उन्हें समझाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और एटम और मेरा से कहता है इस वक्त तुम दोनों ही सुपरमैन और वंडर वुमन हो, और दोनों को ही समझाता है तुम दोनों के ही लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा, मुझे पता है रे, स्पेशली तुम्हारे लिए, जबकि तुम श्रिंक होकर कहीं पर छुप सकते थे लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आए हमारी मदद करने के लिए, और इसका मतलब ये है कि हम ये कर सकते हैं और हमें ये करना होगा। इस पर मेरा उसे कहती है मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और इसके सिवाय मैं सिर्फ एक आउटसाइडर हूँ। इस पर बेरी उनसे कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, मैं ही नहीं बल्कि पूरा जस्टिस लीग इससे आउटसाइडर है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो इस सब में फिट होता है, वो है हैल, और वो अभी भी अपने दुनिया को बचाने के लिए कहीं और लड़ रहा है। तो तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि हम किसी काम के नहीं, या फिर हैल जो कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं। और वो उन दोनों को कहता है कि हम इसी के लिए पैदा हुए हैं और हम यही करेंगे, समझ गए। इतना सुनते ही एटम सबसे पहले मिस्टर टेरिफिक को कॉल लगा रहा था ताकि वो उनके जरिए एलन स्कॉट तक पहुंच सके, और जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है वो मेरा को लेकर फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए वहां पर निकल जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां पर उसका मोबाइल जो कि मिस्टर टेरिफिक के टी स्पेयर से जुड़ा हुआ था
वहाँ पर वो कॉल कनेक्ट हुआ था आंसर मशीन से, जिसके बदले में उन्हें काफी दिक्कत होती वहाँ पर टेलीपोर्ट होने में। दूसरी तरफ मैनहट्टन में हम देखते हैं जस्टिस सोसाइटी को, जो कि ब्लैक लैंटर्न से लड़ रही थी, जहाँ पर मिस्टर टेरिफिक और एलन स्कॉट थे। यहाँ पर एटम और मेरा मिस्टर टेरिफिक के टी स्पेयर से टेलीपोर्ट होते हैं और वहाँ पर वो मिस्टर टेरिफिक से कहता है कि मुझे एलन स्कॉट तक पहुँचना है। दूसरी तरफ बेरी भागते हुए सारे सुपर हीरो से कनेक्ट हो रहा था, जैसे कि वंडर वुमन, ग्रीन एरो, ब्लैक कैनरी और साथ ही साथ टीन टाइटंस, और वो उन्हें समझा रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ को सिटी में अभी भी ब्लैक हैंड ब्रूस वेन की स्कल लेकर कहीं पर बढ़ रहा था, और थोड़ी देर बाद वो बताता है कि लाइट उनके लिए सब कुछ है लेकिन वो भी खत्म हो जाएगी। और गार्डियंस का सबसे अल्टीमेट झूठ ये है, उन्होंने डेड के नीचे कुछ ना कुछ छुपा रखा है। और तभी पावर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी और ब्रूस वेन की स्कल हाथ में लिए वो उस जगह पर खड़ा था। यहाँ पर एलन स्कॉट एटम से कहता है कि तुम जो ये कह रहे हो, लेकिन मेरी रिंग हेल की तरह नहीं है और ना ही ये ओवा पर रखी गई बैटरी से कनेक्टेड है, इसका खुद का एक पावर सोर्स है। लेकिन फिर भी वो जितना हो सके उतना मदद करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मेरा और बाकी बचे लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर डैमेज के कंधे पर जाकर एटम कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो और मुझे ये भी पता है कि तुम एल्प्रेट यानी के असली एटम के बेटे हो, और तुम इसलिए मुझसे चिढ़ते हो क्योंकि मैंने ये पहन रखा है ना। जिस पर वो कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि तुमने क्या पहन रखा है, और ना ही मैं इसलिए ये मास्क पहनता हूँ कि मैं तुमसे डरता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी एटम स्मैशर पर एटम अटैक करता है और वो आगे बढ़ता है डैमेज की तरफ, यानी कि अपने खुद के बेटे की तरफ, जहाँ पर एटम श्रिंक होकर एल्फ्रेड के मुंह में घुस जाता है और जाते हुए वो कहता है, ये तुम्हारे पिता नहीं है इसलिए इनके साथ अच्छे से लड़ो ग्रैंड और खुद को मजबूत रखो, समझ गए। लेकिन एटम वर्सेस एटम का बेटा यानी कि डैमेज दोनों ही एक दूसरे के सारे स्ट्रेटेजीज और वीकनेस जानते थे, लेकिन फिर भी एटम उस पर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे की कमजोरियां क्या है और ब्लैक लैंटर्न ट्रिक के साथ वो और भी पावरफुल हो चुका था। लेकिन जब डैमेज पर वो भारी पड़ने लगता है, तभी एटम यानी कि रे एल्फ्रेड को चीरता हुआ उसके पेट में से बाहर आता है और इसी के साथ डैमेज होप से भर जाता है। लेकिन इतना होते ही उसके सीने के आरपार एक हाथ निकलता है उसके हार्ट के साथ, और तब एटम देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वो जीन थी, और इसी के साथ पावर लेवल 100% हो चुका था। और जीन उसे कहती है, ये दूसरी बार है कि मैंने तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दी। यहाँ पर कोसिटी की तरफ भागते हुए बेरेलन को कुछ महसूस होता है और जैसे ही उसे वो सिग्नल मिलता है, वो कहता है कि सारे हीरोज जो भी मुझे सुन रहे हैं, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी के साथ कोसिटी आ जाओ। दूसरी तरफ स्पेस सेक्टर 666 यानी कि प्लेनेट रिवर्ट पर जो ब्लैक लैंटर्न बैटरी थी वो टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर आ चुकी थी, और ट्रांसपोर्ट के साथ ही वो स्पेस सेक्टर 2814 यानी कि अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाती है। और बैरेलन जो कि ब्लैक हैंड की तरफ बढ़ रहा था, जैसे ही वो उसे टच करने जाता है, तब तक वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था और एक ट्रांसपोर्टर के जरिए वो ब्लैक लैंटर्न पावर बैटरी वहाँ पर आ चुकी थी और हजारों रिंग्स वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाती है। और जो उन सब का मालिक था उसे बाहर निकलता देखकर बेरी यही कहता है, हेल तुम आखिर कर क्या रहे हो, इतना होने तक तुम कर क्या रहे हो। और वो जिस ग्रेवयार्ड में खड़ा था, उस ग्रेवयार्ड में ब्लैक लैंटर्न रिंग्स सभी को फिर से राइज कर देती है। और तब हम देखते हैं नेक्रॉन को, और वो कह रहा था, बैरेलन तुम मुझे अपनी लाइफ दोगे, तुम सभी मुझे अपनी लाइफ दोगे। और ये सुनते ही बैरेलन अपने होश खो चुका था। तो इसके साथ वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और आगे हमें देखने को मिलेगा कि आखिर ये नेक्रॉन है कौन। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।